बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो फॉर एवरीवन एंड वेलकम फॉर द रेडियोलॉजी। मैं हूँ आपकी लेक्चर संदीदा और आज मैं जो डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ वो है जनरल रेडियोलॉजी। हम लोग जो हमारे कोर्स कंटेंट है जनरल रेडियोलॉजी के लिहाज से, तो उसमें हम पढ़ेंगे सारा मतलब जनरल कंसंट्रेशन है, ऑल इमेजिंग मॉडलिटीज, मॉडलिटी मीन्स जो भी हम लोग एक्सरे मशीन या इक्विपमेंट हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें एक्सरे मशीन आता है, सीटी है, एमआर है, फ्लोरोस्कोपी है, ये सारे हमारे पास मॉडलिटीज़ हैं और ये हम जो है इसी सब्जेक्ट में कवर करेंगे इंशाल्लाह। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फ्लोरोस्कोपी ऊपर, तो फ्लोरोस्कोपी जो है इस चैप्टर में हम सारा कवर करेंगे, बेसिक प्रिंसिपल जो हमारे फ्लोरोस्कोपिक इमेजिंग से रिलेटेड है, क्योंकि जो प्रोसीजर्स है वो हम इंशाल्लाह फिर फर्दर अगले सब्जेक्ट में फॉलो करेंगे। इसमें जस्ट हम लोगों ने फ्लोरोस्कोपिक जो इमेजिंग है उनकी प्रिंसिपल्स है, जिस तरीके से वो हम लोग कैप्चर्स करते हैं या हम जो प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, हमारी इसमें ट्यूब की क्या कंसिडरेशन होती है, टेबल हमारे लिए क्या मतलब रोल प्ले करता है, वो सारा हम लोग जो है बेसिक इसमें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो फ्लोरोस्कोपी है क्या चीज़? The primary function of the fluoroscopy is to provide real-time dynamic viewing of anatomic structures. अच्छा, एक हमारे पास होता है सिंपल एक्सरे, उसमें हम ऑन द स्पॉट फिल्म लेके बस पेशेंट को फारिग कर देते हैं। सही है, बस आपका एक्सरे आ गया, हम लोगों ने एक्सरे देख ली और वो उधर हम लोग एक्सपोज करते हैं, वहाँ से हमारे साथ स्क्रीन पे इमेजेस आ जाती है और हम पेशेंट को फ्री कर देते हैं। ये हमारे पास थोड़ा सा एडवांस है, ये फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर आम एक्सरे के लिहाज से, और इसमें हम लोग कंट्रास्ट यूज़ करते हैं और ये हमारे पास मूविंग स्ट्रक्चर्स है, मतलब हम लोग जैसे एक स्क्रीन पे हमारे पास मूवीज़ चल रही होती हैं, हम मूवीज़ देखते हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास एक स्क्रीन होता है, मॉनिटर्स होते हैं, टेलीविजन कैमराज होते हैं जो फ्लोरोस्कोपी में ऑलरेडी इंस्टॉलेशन उनकी हुई होती है, उसी से हम लोग पेशेंट्स के जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, एनाटॉमिक बॉडीज़, जितनी भी मतलब फ्लूइड्स होता है, जो भी होता है, हम लोग उसको रियल टाइम में हम लोग एग्जामिनेशन की करते हैं। डायनेमिक स्टडीज मीन द एग्जामिनेशन डेट शो द मोशन ऑफ सर्कुलेशन और द मोशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। तो ये वही बात हुई, जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं इनकी मोशन, उनकी सर्कुलेशन, इनकी डायग्नोसिस के लिए हम लोग ये रियल टाइम फॉलो करते हैं। इस एग्जामिनेशन में हम लोग बेसिक इनकी स्पेसिफिक कंट्रास्ट होते हैं, ये इनकी स्पेशलिटी यही है कि इसमें हम लोग कंट्रास्ट यूज़ करते हैं, कंट्रास्ट के थ्रू हम लोग किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करते हैं और फिर फर्दर उनकी मतलब फर्दर उनकी फिर ट्रीटमेंट वगैरह उस टाइप साइड में हम लोग जाते हैं। अच्छा, फ्लोरोस्कोपी हमारे पास आया कैसे, ये किसने इन्वेंट किया और किसकी ये मतलब काम है? तो ये थॉमस एडिसन 1896 में उन्होंने फर्स्ट ये इन्वेंट किया था फ्लोरोस्कोपी और इज़ अ मेडिकल इमेजिंग मॉडलिटी। सही है, तो रेडियोलॉजिस्ट जो है ये यूज़ करते हैं कंट्रास्ट मीडिया के थ्रू और हाईलाइट करते हैं एनाटॉमी ड्यूरिंग प्रोसीजर्स। तो ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपी रेडियोलॉजिस्ट जो है वो कंटिन्यूस इमेजेस लेते हैं ऑफ द मोशन इंटरनल स्ट्रक्चर व्हाइल द एक्सरे ट्यूब इज एनर्जाइज। अच्छा, अब एक्सरे ट्यूब क्या है हम लोग आगे इंशाल्लाह अभी कवर करेंगे। हम इसको एनर्जाइज करते हैं, एक्सरे ट्यूब किस तरह एनर्जाइज होते हैं? ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी हम लोग उनको उनकी अपनी एक केवी होती है, एमए होता है, किलो वोल्टेज पी, जो भी मतलब मेजरमेंट्स होते हैं रेडियोलॉजिकल बेसिक मेजरमेंट्स ही, इसको आप लोग जहन में रखेंगे तो तब आप लोगों को आगे कवर होगा। तो उसी से हम लोग इनको ट्यूब को हम लोग इनकी अपनी स्पेसिफिक वोल्टेज होती है, जिस तरह हमारे पास ट्यूब लाइट की, एसी की, कोई भी फैन ले लो, हर किसी की अपनी एक वोल्टेज होती है, तो इसी तरह एक्सरे ट्यूब की भी अपनी एक वोल्टेज होती है, उस लिमिट से अप एंड डाउन हो तो फिर हमारे पास इक्विपमेंट काम नहीं करता। अच्छा, तो ड्यूरिंग प्रोसीजर अगर कोई भी ऐसी एबनॉर्मेलिटी शो हो जाए जो हमारे लिए मतलब जिसके लिए हम लोग ये प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं या वो हमारे लिए आगे स्टडी में काम आ सकता है, तो उसके लिए हम उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट एक परमानेंट फिक्स इमेज लेते हैं और वो हमारी इंटरप्शन नहीं करती कोई भी एग्जामिनेशन पे। एग्जामिनेशन हमारी ऑलरेडी वो चल रही होती है कंटिन्यूसली, सही है, उस पर कोई मतलब इंटरप्शन नहीं आता। जिस तरह हम लोग मोबाइल पे कोई मूवीज़ या कुछ भी ऐसे हम लोग कर रहे हो और ऑन द स्पॉट हमें एक चीज़ आ जाए कि हमने इसको सेव करने, तो हम स्क्रीनशॉट्स ले लेते हैं, सही है। तो इसी तरह हम लोग इसी प्रोसीजर्स में भी कंटिन्यूसली ये चल रहा होता है, इसमें कोई इंटरप्शन नहीं आता, एग्जामिनेशन में कोई मतलब डिस्टॉर्शन नहीं आती, हम ऑन द स्पॉट उसमें फिक्स इमेजेस लेते हैं, उन फिक्स इमेजेस को स्पॉट फिल्म कहते हैं।
देट इज़ अ स्मॉल स्टेटिक इमेज ऑन अ स्मॉल फॉर्मेट इमेज रिसेप्टर्स। और ये हमारे पास जो है कहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं या कहाँ पे ये डेवलप होते हैं, इनके स्पेसिफिक इमेज रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम मैनुअली हमारे अपने रेडियोलॉजी लैंग्वेज में इसको कैसेट भी कहते हैं, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन भी कहते हैं, डिटेक्टर भी। बहुत सारे जनरेशन में जो है ना उनकी नाम्स चेंज होती रहती है, मगर मेजॉरिटी हम लोग जो अभी भी यूज़ करते हैं फ्लोरोस्कोपी इमेज रिसेप्टर के लिए वो कैसेट है। सही है। तो टू मेन एरियाज ऑफ एंजियोग्राफी, न्यूरो रेडियोलॉजी, वेस्कुलर कार्डियोलॉजी। आप लोग कहीं पे भी कोई भी प्रोसीजर आप लोग फॉलो करिए, फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर हो, आप लोग जो है स्पॉट फिल्म आम के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हम लोग ऑन द स्पॉट भी लेते हैं और ये हम ऑलरेडी डिजिटल इमेजेस भी ही उनके अपटेन करते हैं। ये हमारे इक्विपमेंट पे डिपेंड करता है कि वो हमारे पास सीआर सिस्टम है या डीआर सिस्टम है। तो अगर इन केस हमारे पास सीआर सिस्टम है फ्लोरोस्कोपी का, मतलब वो सिर्फ कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो उसमें हम लोग ऑन द स्पॉट फिल्म लेंगे, वो हमारे पास मतलब कैसेट पे आएगा या इस तरह, फिर उससे हम डेवलप करेंगे ड्यू टू डार्क रूम। और अगर हमारे पास डिजिटल इमेजेस हैं थोड़ा सा मतलब वो एडवांस फॉर्म है, तो फिर इसमें डायरेक्टली हमें शो भी हो जाते हैं और हमारे पास एक डिजिटाइज फॉर्म में फिल्म भी आ जाती है, मगर वो होती है बेसिक स्पॉट फिल्म। अच्छा, ये कुछ पिक्चर्स आप लोगों को शो हो रहे होंगे जो मतलब स्पॉट फिल्म से रिलेटेड हैं। ये कोई बेरियम एनिमा है या बेरियम फालोथ्रू है, उनकी एग्जामिनेशन जो है वो प्रोसीजर जो है परफॉर्म हो रही है। इंटेस्टाइनल आपको सारा कवर नज़र आ रहा होगा, इसमें कंट्रास्ट आप लोगों को जितनी भी आपको वाइट वाइट शेडोज आपको नज़र आ रहे, आपको ब्लैक शेडो नज़र आ रहे, तो ब्लैक जो है ये आपको ईयर शो कर रहा है या जो भी गैसेस हैं ये आपको वो शो कर रहे। और जो आप लोगों को वाइट नज़र आ रहे हैं ये वो एरिया है जिन लोग जिन्होंने ये रेडिएशन ऑब्जॉर्ब किए। सही है। जो रेडिएशन ऑब्जॉर्ब करता है वो आपको वाइट नज़र आएगा, जो रेडिएशन ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकता जिससे रेडिएशन पास हो जाती है वो आप लोगों को हमेशा एक सिर्फ ब्लैक नज़र आएंगे। तो ये दो कंट्रास्ट आप लोगों के जहन में होने चाहिए। जितने भी आप लोगों के पास सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं या जो हमारे पास इंटरनल ऑर्गन जितने जिसमें ईयर हो गैस हो, आप लोग हमेशा ब्लैक नज़र आएंगे। और जो आपके पास बोन है या सॉलिड है, फॉरेन बॉडीज हो गई, कोई भी ऐसी हो जो सॉलिड मास हो, तो वो आप लोगों को हमेशा वाइट नज़र आएगा। तो इसमें ये कंट्रास्ट, ये बेरियम सल्फेट कंट्रास्ट है, सल्फेट बेस्ड कंट्रास्ट है जो हम लोगों ने थ्रू माउथ उनको कंट्रास्ट दिए फॉर द इंटेस्टाइनल प्रोसीजर। सही है, उनको एग्जामिनेशन करने के लिए। तो यहाँ पे कोई भी उनको एबनॉर्मेलिटी नज़र आई होगी, ये देखो आप लोग देख भी सकते हैं इंटेस्टाइनल यहाँ पे सही डायमेंशन है, मगर थोड़ी सी जगह पे जो है ये नेरोनेस आपको शो कर रही है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई है इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे उनको उन्होंने रेडियोलॉजिस्ट ने जो है शो मतलब उनको नज़र आया कि यहाँ पे कोई सी भी एबनॉर्मेलिटी है जिसको हम फर्दर आगे स्टडी करेंगे। तो उन लोगों ने ऑन द स्पॉट एक इमेज ली है। तो ये हमारे पास आता है स्पॉट फिल्म। ये दूसरी उनकी है, ये भी इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। सही है, आप लोग देख सकते हो। फिर हम आते हैं एक्सरे ट्यूब के ऊपर। अच्छा, तो जो हमारे पास फ्लोरोस्कोपी है इनके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सही है, जो मतलब डिफरेंट पार्ट्स आपस में एक साथ होके फिर एक कंपाउंड हमारे पास एक फ्लो मशीन बन जाती है जिसको हम फुली यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये इनके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट इक्विपमेंट्स आपस में हम लोग मिलाते हैं तो तब भी जाके एक मशीन फुल एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ जाती है। तो फर्स्ट जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है, जो बहुत मतलब जिसका रोल है फ्लोरोस्कोपी में, तो वो एक्सरे ट्यूब है, जहाँ से एक्सरे ऑर्गेनाइज होती है, जहाँ से एक्सरे प्रोड्यूस होती है, जहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, पावर देते हैं ट्यूब को। तो वो ये हमारे पास एक मेन कंपोनेंट है फ्लोरोस्कोपी मशीन के लिए। तो वो फर्स्ट है एक्सरे ट्यूब। ये क्या है एक्सरे ट्यूब? द ये यूजुअली हिडन अंडर द पेशेंट टेबल। तो ये हर एक उस पर डिपेंड करता है, कंपनी पर डिपेंड करता है कि इन लोगों ने किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो हर एक की अपनी अलग वो होती है, इससे मतलब फ्लोरोस्कोपी पे कोई इफेक्ट नहीं आता। बस ये एक आप लोग ये कह दें इसको कि हर किसी की अपनी एक सीक्वेंस होती है। कोई इस तरह बनाता है कि इसमें द इमेज इंटेंसिफायर या इमेज रिसेप्टर जो भी हैं वो पेशेंट टेबल नहीं है उसके अंदर फिट होते हैं, और जो फ्लोरोस्कोपिक एक्सरे ट्यूब हैं या पेशेंट टेबल हैं, इमेज रिसेप्टर हैं, ये ऊपर होता है। सही है। तो ये हर किसी की अपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है, और कोई इस तरह होता है कि उन लोगों ने जो फ्लोरोस्कोपिक ट्यूब वगैरह है वो नीचे अंडर द टेबल फिट किए होते हैं, और जो इमेज रिसेप्टर होता है वो अपर होता है। तो ये हमारे पास एक एक्सरे ट्यूब है, फ्लोरोस्कोपिक एक्सरे ट्यूब है,
जो इसमें उन लोगों ने जो एक्सरे ट्यूब है वो अपर फिट किया हुआ है, और जो हमारे पास इंटेंसिफाइड स्क्रीन है या जो जिस पे हम लोगों ने इमेज रिसेप्टर लेनी है वो पेशेंट टेबल के अंदर फिट की हुई है। आप लोगों को वो शो नहीं हो रहा, आप लोगों को यहाँ पे जस्ट आप लोगों को एक्सरे ट्यूब शो हो रहा है। ये इनकी सीलिंग माउंटेन है, आप लोगों को ये नज़र भी आ रहा होगा, सीलिंग माउंट ऑफ द एक्सरे ट्यूब। इस सीलिंग माउंटेन से हम लोग इस ट्यूब को अप्स एंड डाउन, लेफ्ट राइट, जहाँ पे भी हम लोगों ने इनको मूवमेंट देनी होती है इससे हम मूवमेंट देते हैं। फिर हमारे पास आता है जो मेन कंपोनेंट है जिसके लिए सारी मैन्युफैक्चरिंग की होती है, जहाँ से एक्सरे प्रोड्यूस होता है वो है एक्सरे ट्यूब। आप लोगों को लेबल नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पैनल्स होते हैं जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं कैथोड टू एनोड, और फिर वो स्ट्राइक करते हैं, और फिर उसके बाद जो है फोटॉन्स निकलते हैं जिससे हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है इज एक्सरे फॉर्म, और फिर वो नीचे जाके पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और फिर हमारे पास एक इमेज बनती है। ये फुल एक प्रोसेस, एक फिनोमेना है। फिर ये एक्सरे ट्यूब के बाद यहाँ पे जो दूसरा कंपोनेंट है वो है एक्सरे आर इमिटेड फ्रॉम हार्ट। ये हमारे पास एक इस तरह जार टाइप होता है जहाँ से हम लोग कोलिमेशन करते हैं, जहाँ से लाइट पास होती है, जहाँ से हमारे पास एक्सरे पास होती है। तो प्रोडक्शन यहाँ पे होती है एक्सरे ट्यूब के अंदर, जहाँ पे ये एक्सरे ट्यूब लिखा हुआ है ये प्रोडक्शन है, और फिर उसके बाद जो इराइस होती है वो यहाँ से इमिट होती है। अच्छा, आप लोगों को और दूसरा एक पेशेंट टेबल नज़र आ रहा है, तो ये पेशेंट टेबल है, इसके नीचे डिटेक्टर फिट होते हैं जहाँ पे रेडिएशन जो पेशेंट से पास हुए होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं या स्ट्राइक करते हैं, और फिर वो एक इमेज के फॉर्म में हमारे पास इसमें सेव हो जाता है। स्पॉट फिल्म के मतलब वो स्पॉट फिल्म भी हो सकता है, वो फिर बाद में जो हम लोग इमेजेस ले सकते हैं वो भी हो सकते हैं, जो फिर हम लोग जाके बाकायदा मैनुअल सिस्टम से भी हम लोग उसको डेवलप करते हैं, और अगर वो इन केस हमारे पास डिजिटाइज सिस्टम है, डिजिटल फ्लोरोस्कोपी है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास स्क्रीन पे भी शो हो जाती है। अच्छा, ये दूसरा फॉर्म है फ्लोरोस्कोपी का। इसमें ये वाला सिस्टम दिखा है कि इसमें जो हमारे पास स्पॉट फिल्म होता है या कैमरा होता है वो ऊपर है, इमेज इंटेंसिफाइड ट्यूब है वो भी ऊपर ही है, और इसके साथ जो वीडियो मॉनिटर है वो साइड पे लगा होता है, ये हमें अलग दिख रहा होता है। यहाँ पे जो भी हम लोग नीचे एक्सपोज दे रहे होते हैं या जो भी हमारे पास गुजरता है तो वो हमें साइड पे यहाँ से नजर आता है। सही है, ये स्पॉट फिल्म कैसेट है, बाकी स्लॉट है, ये पेशेंट टेबल है। पेशेंट टेबल के अंदर हमारे पास यहाँ पे प्रोटेक्टिव कर्टन भी होता है, बाकी डायग्राम भी होती है, और फ्लोरोस्कोपिक एक्सरे ट्यूब भी है वो अंदर फिट होती है। तो ये दूसरा टाइप है फ्लोरोस्कोपी मशीन का। सही है, ऊपर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें एक्सरे ट्यूब अपर था और नीचे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और ये सब कुछ थी। इसमें जो है एक्सरे ट्यूब वो बाकी पेशेंट टेबल के अंदर फिट है, और जो हमारे पास है इमेज डिटेक्टर है वो अपर है। अच्छा, एक्सरे ट्यूब बेसिकली है क्या? ड्यूरिंग इमेज इंटेंसिफाइड फ्लोरोस्कोपी। इंटेंसिफाइड क्या है? ये एक प्रोसीजर है। इंटेंसिफिकेशन हम लोग किसको कहते हैं? ये एक प्रोसीजर है। अब हमारे पास हाईली इनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आके वो स्ट्राइक करते हैं एनोड के साथ, जब वो एनोड के साथ स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ पे एनाटॉमिकल चेंजेस आती है, आयनाइजेशन होती है, जिसके नतीजे में वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उस एनर्जी के थ्रू, और वो लाइट शो करते हैं, और वो लाइट फोटॉन आके पे फर्दर स्ट्राइक करते हैं पेशेंट के साथ और एक्सरे के साथ, जिसके नतीजे में हमारे पास एक्सरे डेवलप होती है। तो वो जो लाइट फोटॉन होता है ना, वो बेसिकली हमारी हमारी के जो एमए होता है किलो वोल्ट पी के, उसी पे ही डिपेंड करती है। अगर वो हाईली इनर्जी है तो हाईली इनर्जी इलेक्ट्रॉन फोटॉन जो है वो रिलीज होंगे, और इसके नतीजे में मोर ब्राइटनेस आएगी स्क्रीन के ऊपर। तो जो हमारे पास इमेज शो होता है, जो डिस्प्ले मतलब फ्लैट पेन है या मॉनिटर है कोई भी, उसी मतलब जो भी हमारे पास हम लोग जिसमें आई से मतलब एग्जामिन कर सकते हैं, जो भी मॉनिटर हमारे पास फिक्स्ड होता है उस टाइम पे, उसमें हमें शो होता है एक इमेज। तो वो इंटेंसिफिकेशन की वजह से हमारे पास वो इमेज टेलीविजन मॉनिटर पे हमारे पास शो होता है। तो फिर जो हम लोग फ्लोरोस्कोपी एक्सरे ट्यूब के लिए हम लोग ऑपरेट करते हैं, तो उनकी ऑपरेशन के लिए हम लोग, अभी मैंने आगे बात की है कि हम लोग उनको एनर्जी देते हैं, हम एनर्जाइज करते हैं, उनकी अपनी एक करंट होती है। तो वो हमारे पास कितनी होनी चाहिए? वो लेस देन 5 mA होनी चाहिए। एमए क्या है? ये मिली एम्पियर है, ये हमारे पास ट्यूब करंट है, और ये हम लोग ये पेशेंट रेडिएशन डोज पे भी डिपेंड करता है। इसी से हमारे पास पेशेंट रेडिएशन डोज भी मतलब डेवलप होती हैं, और ये ट्यूब करंट भी है, ये हम प्रोवाइड करते हैं ट्यूब को, जिसके बेस पे वो ट्यूब काम कर रहा होता है, तो उसको हम लोग एमए कहते हैं। तो ये हमारे पास लेस देन 5 mA होती है। जितने भी आल प्रोस्कोपी एक्सरे ट्यूब है
वो हम लोग जहाँ पे भी ऑपरेट करेंगे वो लेस देन 5 MA होगा। वो क्यों 5 MA लेस देन होगा? ये हमारे पास एक बहुत लोअर किस्म की MA है। ये एक्सरे ट्यूब जो हमारे बाकी एक्सरे के लिए यूज़ होता है उसमें हम लोग 5 वो उसमें हम लोग 50, 100, 500 तक भी जा सकते हैं, मगर ये इस बेस पे यहाँ पे हम लोग लेस देन 5 रखते हैं, क्योंकि ये हमारे पास डायनेमिक मतलब डायनेमिक स्ट्रक्चर्स शो करते हैं ना। तो ये जब हम लोग एक प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं तो उसी टाइम पे रेडिएशन भी स्टार्ट हो जाती है और वो कंटिन्यूसली जब तक हमारे प्रोसीजर्स ख़त्म नहीं होता वो बंदा रेडिएट, जो भी पेशेंट्स है जो भी वहाँ पे होगा वो इरेडिएट होता रहता है, सही है। तो ये इस रेडिएशन डोज को कम करने के लिए फिर हम लोग एक्सरे ट्यूब जो करंट है वो हम लोगों ने लेस देन 5 MA रखा होता है। इसके बावजूद जो हमारे फ्लोरोस्कोपिक रेडिएशंस है वो बाकी आम जो एक्सरे है उनसे काफ़ी ज़्यादा है। वो इसी बेस पे ज़्यादा है कि वो तो हम ऑन द स्पॉट फिल्म लेके एक्सरे को फारिग कर देते हैं, मगर जो फ्लोरोस्कोपी में है वो कंटिन्यूसली रेडिएट हो रहे होते हैं जब तक प्रोसीजर्स ख़त्म नहीं होता। इसमें 5-6 हम लोग ऑन द स्पॉट फिल्म लेते हैं, पूरी एक डायनेमिक स्ट्रक्चर हमारे पास मूवमेंट जो है वो चल रही होती है। तो जब तक हमें बॉडी नज़र आती है इंटरनल स्ट्रक्चर अंदर, तो वो इट्स मीन कि वो अंदर जो है वो बंदा एक्सपोज हो रहा है। तो हम लोग लोअर MA के बावजूद जो हमारा पेशेंट है वो हाई डोज ले लेता है फ्लोरोस्कोपी में, बिकॉज द एक्सरे बीम एक्सपोज द पेशेंट कॉन्स्टेंटली फॉर अ कंसिडरेबली लॉन्गर टाइम, क्योंकि वो उसमें टाइम जो है वो लॉन्गनेस है। फिर हमारे पास एक्सरे ट्यूब है क्या? इसमें हमारे पास MA तो हमने डिस्कस कर लिया, अब किलो वॉल पीक पे हम आते हैं। किलो वॉल पीक ऑफ ऑपरेशन डिपेंड एंटायरली ऑन द सेक्शन ऑफ द बॉडी दैट इज बीइंग एग्जामिन्ड। अच्छा, MA हमारे पास था ट्यूब करंट, सही है। वो हमारे पास ट्यूब करंट है, वो पेशेंट रेडिएशन डोज है। जो किलो वॉल पीक है ये हमारे पास क्या है? ये इंटायरली सेक्शन ऑफ द, ये पेनिट्रेशन में काम आता है और इसी से कंट्रास्ट बनती है। ब्लैक एंड वाइट कंट्रास्ट जो आप लोगों को एक्सरे पे शो होती है ना, वो इसी KVP की वजह से आप लोगों को वो कंट्रास्ट शो होती है। ये हमारे पास एक्सरे कंट्रास्ट बनाता है। और ये हम लोग किस तरह यूज़ करते हैं, ये हम लोग पेशेंट बॉडी पे डिपेंड करता है। अगर वो हैवी आ रहा है, वो नॉर्मल नहीं है, आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि बॉडीज के कितने किस्म होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। तो नॉर्मल कितना होता है, अंडरवेट कितना होता है, अपर वेट किस तरह होता है, तो हम लोग उस बॉडी के लिहाज से, एज के लिहाज से, बच्चों को, एडल्ट्स को किस तरह हम लोग एक्सपोजर देते हैं कि वो उनकी जो है एग्जामिनेशन भी हो जाए, उनकी जो डायग्नोसिस है वो भी सभी तरीके से हो, और वो पेशेंट, वो बंदा जो है वो ज़्यादा रेडिएशन भी ना ले, वो ओवर एक्सपोज भी ना हो जाए। तो इसलिए हम लोग इन चीज़ों को मतलब जहन में रखते हैं, फिर आगे हम लोग प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं। तो ये हमारे पास द इक्विपमेंट अलाउ द रेडियोलॉजिस्ट टू सेलेक्ट इन इमेज ब्राइटनेस लेवल दैट इज सब्सिक्वेंटली मेंटेन ऑटोमेटिकली बाय वेयरिंग द KVP MA आर सम टाइम स्पॉट। तो हमारे पास जो बेसिक मेजरमेंट है या जिसको हम रेडियोलॉजिकल फाउंडामेंटल भी कह सकते हैं, वो हमारे पास है KVP MA आर MA। ये तीन हमारे पास मेजरमेंट्स है या वैल्यूज है जिसके बेस पे हम लोग इससे प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं। तो KVP जो है वो कंट्रास्ट हो गया, ब्लैक एंड वाइट जो भी आप लोगों को ब्राइटनेस लेवल या वो इंक्रीज नजर आता है। अगर आप लोग के पास हैवी बॉडी आ गई, आप लोगों ने कोई एग्जामिनेशन कर रहे हो, आप लोग फॉर एग्जांपल उसको 10 KVP दे रहे, तो आप लोगों को कुछ भी शो नहीं करेगा, वो बिल्कुल ब्राइट आएगा, वाइट आएगा, आप लोग को कोई मतलब डिफ्रेंशिएशन नज़र नहीं आएगी। तो अगर आप लोग मतलब वो 50 एज है और उसकी जो है वो वेट है तकरीबन 60-70, तो आप लोग उसके लिए 40-50 KVP मस्टली रखेंगे, तब आपके पास जाके एक अच्छा सा इमेज आएगा। वो चाहे चेस्ट का हो, वो एब्डोमिन का हो, हर एनाटॉमिक स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि किस एनाटॉमिक स्ट्रक्चर को कितनी KVP और कितनी MA देनी चाहिए। अगर हम लोग इससे बिलो या एबो करेंगे तो एक तो जो एक्सरे क्वालिटी है, इमेज क्वालिटी है, वो भी डिस्ट्रॉट होगी और पेशेंट रेडिएशन डोज भी इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। तो इन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोगों ने, ये बेसिक है, आप लोगों ने जहन में रखना है इसको। तो अच्छा, जो अभी हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि जो हमारे पास ब्राइटनेस लेवल है या मेंटेन करते हैं, आजकल हमारे पास जो जनरेशन्स आ रहे हैं वो बहुत एडवांस फॉर्म है, उसमें हमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो ऑटोमेटिकली अपना उसके साथ आप बॉडी अटैच करो, कोई भी पेशेंट बॉडी अटैच करो, वो ऑटोमेटिकली अपनी सारी KVP MA उसी लिहाज से वो सेट कर लेता है, हमें उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर इनकेस कहीं ना कहीं पर वो लेवल जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज आ भी जाए, तो वो हम लोग ड्यू टू कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो हम कंप्यूटर से भी उसको हम लोग पोस्ट प्रोसेसिंग और प्री प्रोसेसिंग के साथ हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। इस सारे फिनोमेना को हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल, ये फ्लोरोस्कोपी जो है ना ये खुद कंट्रोल करती है। अगर आप लोग इनकेस आप लोगों से KVP आपके ऊपर पेशेंट्स बर्डन ज़्यादा हो गया या कहीं से गलती से आप लोगों से ये ज़्यादा या इंक्रीज हो भी जाए ना, तो यूट्यूब अपने अंदर खुद ये सिस्टम ऑटोमेटिकली इसके अंदर फिटिंग होती है, जिससे वो अपनी ब्राइटनेस कंट्रोल, जो अपनी ब्राइटनेस लेवल है इसको वो कंट्रोल कर सकता है। इसको हम क्या कहते हैं,
तो उसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल। अच्छा, ये लेक्चर जहाँ से हम लोगों ने मैंने मतलब बनाया है ये आप लोगों के लिए, तो ये आप लोगों को नेट पे कहीं से भी नहीं मिलेगा। ये मैंने आपको रेफरेंस बुक दी हुई है रेडियोलॉजिकल साइंस फॉर टेक्नोलॉजिस्ट 10th एडिशन, यहाँ से ये लेक्चर बना है जो आगे आप लोगों का जो है दोनों सब्जेक्ट्स में काम आएंगे, जो अभी हम लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। रेडियोलॉजिकल साइंस है और जनरल रेडियोलॉजी है, ये दोनों सब्जेक्ट आप लोग इसी मतलब इसी बुक से आप लोगों ने कवर करने हैं। तो आप लोगों के पास ये बुक मस्ट ही होनी चाहिए। ये ऑथर नेम भी साथ में आप लोगों को शो हो रहा होगा और एडिशन भी आप लोगों को शो हो रही है, आप लोग किसी भी शॉप से उसको ले सकते हैं। और ये लेक्चर सारा प्योरली वहाँ से मैंने मतलब बाकायदा स्लाइड्स बनाई है। तो अगर आप लोग बुक से और पढ़ेंगे तो आप लोगों को और भी मतलब वहाँ से हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी आप लोगों को क्वारीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर से रिलेटेड, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है, मेरे लिए भी ज़रा डिफ़िकल्ट था, आप लोगों के लिए भी डिफ़िकल्ट होगा, तो काइंडली आप लोग अपने क्वेश्चंस नीचे भी दे सकते हैं, कमेंट्स में अपने पास रख लिए। इंशाल्लाह फिर हम लोग अगले लेक्चर से पहले वो डिस्कस करेंगे, सही है।